नमस्कार। आज की वीडियो में हम ट्रांसप्लांट करेंगे हमारी भिंडी के प्लांट्स को। इसके लिए सबसे पहले हम गमले की मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी का रेशियो हमने लिया 50% मिट्टी है, 20% रेत है और 30% गोबर की खाद है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और साइड में रख देंगे। अब हम लेंगे हमारा गमला। गमले की साइज़ यहाँ पे मैंने 12 इंच की ली है। आप चाहे तो इससे बड़ा गमला ले सकते हैं, लेकिन इससे छोटा गमला ना लें। गमला जितना बड़ा होगा उतना ही आपके सब्जी के पौधे के लिए अच्छा है। गमले में अब हम डालेंगे सबसे पहले 2 से 3 इंच की हम मिट्टी की लेयर डालेंगे, जिसे हमने अभी प्रिपेयर करके रखा है। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखे पत्ते। इसे अच्छे से तोड़ देंगे और दबा देंगे। 2-3 इंच की हम पत्तों की लेयर डालेंगे इसके अंदर। और इसके ऊपर फिर से एक छोटी सी पतली सी लेयर डालेंगे मिट्टी की। फिर से हम डालेंगे इसके ऊपर पत्ते। अच्छे से तोड़ के डालेंगे। और फिर से हम इसके ऊपर एक लेयर डालेंगे मिट्टी की। 75% गमले को हमने इसी तरह से भरेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे सूखा या गीला किचन वेस्ट। आपके पास जो भी अवेलेबल हो आप इसके ऊपर डाल सकते हैं। मेरे पास ये 2-3 दिन का किचन वेस्ट है, मैंने सूखा कर रखा था, तो इसे हम डाल देंगे इसके अंदर। और लास्ट में हम डालेंगे हमारी बनाई हुई सॉइल मिक्स। तो इस तरह से हमने पूरे गमले को तैयार किया है। इस तरह से गमला तैयार करने के 2 फायदे होते हैं। एक तो जो सूखी पत्तियाँ और किचन वेस्ट है वो डीकम्पोज होगा, और जिससे हमें बार बार इसके अंदर खाद डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरा, हमारे गमले का वेट जो है वो थोड़ा लाइट रहेगा, तो हम इसको ईजीली कहीं पर भी मूव कर सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके अंदर भिंडी का पौधा। इसे जर्मिनेशन का डिटेल वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। डिब्बे को थोड़ा ध्यान से उल्टा करेंगे तो ये इजीली आपके हाथ में आ जाएगा। अब बीच में से भी इसको अलग कर देंगे और मिट्टी में लगा देंगे पौधों को। और 2-3 दिन से यहाँ पे काफ़ी तेज़ हवा चल रही है, तो किसी भी तरह का रिस्क लिए बिना इसके सपोर्ट के लिए मैं लगा दूँगी यहाँ पे डंडी। इसे बांध देंगे। हमने मुलायम वाली रस्सी ली है बांधने के लिए, और एकदम ढीला बांधेंगे, ज़्यादा टाइट नहीं बांधेंगे इसे। और लास्ट में हम डालेंगे पानी। इस पौधे को धूप काफ़ी पसंद है, तो जहाँ पे फुल सनलाइट या फिर पूरे दिन की धूप आती हो उसे ऐसी ही जगह पे रखें। स्टे ट्यून्ड फॉर अपडेट्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।